दोस्तों जब से यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट आया है तब से काफी सारे लोग यूएस टैक्स फॉर्म भर रहे हैं, बट वो कुछ ना कुछ गलती भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कुछ देर पहले अपना यूएस टैक्स फॉर्म भरा है। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रूव लिखा है। इसका मतलब यह है कि मेरा ये यूएस टैक्स फॉर्म अप्रूव हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो इसकी एक्सपायर वैलिडिटी है वो आप जरा देखिए कितनी दिखा रहा है, 31 दिसंबर 2027। इसका मतलब है ये आराम से फिल हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे क्लेम 50% है, 50% है, और यहाँ पे भी कितना है 0%। अगर आपने इस तरीके से भरा है तो इसका मतलब है यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन आपने सही तरीके से भर लिया है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की होगी। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि कैसे आपको फिल करना है। अगर एक स्टेप भी मिस करोगे तो हो सकता है आगे चल के आपका जो पैसा है वो ज्यादा कटने लग जाए गूगल एडसेंस से। तो मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि भाई एडसेंस के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है और एडसेंस के रिगार्डिंग हमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इसी वजह से जो हम वीडियो बनाते हैं बिल्कुल ऑथराइज और ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन आपको सही पहुंचे और गलत टैक्स फॉर्म आप बिल्कुल ना भरे। दोस्तों आप देख सकते हो ये है हमारे पास गूगल एडसेंस, ठीक है। ये हमारे एक दूसरे अकाउंट का है जिसपे हमारा छोटा मोटा चैनल है, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उस पर रिस्पॉन्स हमने मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसका जो फॉर्म है वो भरने वाले हैं। कैसे? चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये है एक्चुअली में पेमेंट, यह पेमेंट इन्फो, आपको इस पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाओगे तो ये देख सकते हो ये है नाम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैनेज सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग के बाद अब मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो पे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो भी भरा हुआ है ये पुराना भरा हुआ है, अब आपको नया भरना है। नया कैसे भरना है? यहां पे क्या लिखा है, सबमिट ए न्यू फॉर्म, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे डेट चेक कर लेनी है। अगर आपका दिसंबर 2024 है तभी आपको भरना है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि दिसंबर 2024 यहाँ 25 लिख रहा है, 25 लिख रहा है, यानी कि एक्सपायर आपका 25 पे थे, आपको नहीं भरना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रही है, बार बार वीडियो नहीं बताऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी। इस को देख के आराम से अपने टैक्स फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप कॉल मी फोर एप्लीकेशन की मदद से हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल मी फोर एप्लीकेशन की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।